माय डायरेक्ट मैसेजेस एंड लड़कों ने बहुत सपोर्ट किया. एक लड़के ने मुझे बोला, टीनेज बॉय ने बोला कि इंडिया को इस तरह के गाने की ज़रूरत थी. तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं मेरे गाने के बारे में. या मेहनत रंग लाई है. यस एंड इसको अभी बहुत दूर जाना है. पहले गाने के हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी दैट द काइंड ऑफ सक्सेस इट्स गॉट. पटियाली द क्वीन दूर तक गया है. आई हैव परफॉर्म्ड इन चंडीगढ़, आई परफॉर्म्ड इन दिल्ली. आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ शोज नाउ. आई वाज इनटू एक्टिंग बट नाउ आई लव द फैक्ट दैट इट्स रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल. मेहनत बहुत थी बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट क्राउड फंडेड है. सो इट हैज टेकन मी अ ईयर एंड मोर टू वर्क ऑन इट. एंड या मेरा लुक डिज़ाइन किया है दीप्ति भवनानी ने. शी इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर एंड शी इज़ अ फ्रेंड. सो शी इज़ गिविन मी लेदर जैकेट एंड शी इज़ गिविन मी वेरी सिंगर काइंड ऑफ लुक. शी वॉन्टेड मी टू हैव अ सिंगर स्लैश रैपर काइंड ऑफ लुक. इट्स माई फर्स्ट सॉन्ग. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स डन सो वेल एंड दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द ब्यूटिफुल वुमेन आउट देयर हु बिलीव दैट गर्ल्स कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड हु हैव द राइट टू लिव अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स एंड नॉट लेट सोसाइटी tell them what to do. Yeah. Actually, they never said ki ladki rap nahi kar sakti, but I like the fact that, you know, girls bhi aa rahe hain, they're also rapping and it's a very good trend and I'm loving the fact that girls have really loved the jo rap kiya hai. And Honey Singh, this is basically an answer to you. बिकॉज तुमने इतने घटिया गाने बनाए लड़कियों के लिए, तो ये तुम्हारे कुछ जवाब है. और प्लीज़ ऐसे गंदे गाने बनाने छोड़ दो. वैसे इसने बनाना तो छोड़ ही दिया है. हनी सिंह को पहले हनी सिंह किसने बनाया था, उसका पहला गाना था जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकती. आई मीन समथिंग दैट आई कांट इवन से. हनी सिंह ने उस पर गाना बनाया है विच वॉज वेरी घटिया, वेरी अश्लील, वेरी डेरोगेटरी टू विद्स वुमेन. सो हनी सिंह, इट्स टाइम यू चेंज योर स्टाइल ऑफ कॉन्टेंट, योर सिंगिंग. एंड बादशाह को क्यूट वे में जवाब दिया है बिकॉज बादशाह इज़ अ क्यूटी. वो कहता है आती होंडा में जाती ऑडी में खिसक. सो उसको जवाब दिया है कि गड्डियाँ तो बड़ी बड़ी घर में ही बैठी हैं, अपनी कार को ऐसे ना तो फ्लॉन्ट कर, गड्डियाँ तो बड़ी बड़ी घर में ही बैठी हैं. हनी सिंह कहाँ है, वेयर इज़ हनी सिंह. हनी सिंह दिखाई भी नहीं देता. फर्स्ट ऑफ ऑल हनी सिंह को मेरे सामने आना चाहिए, या तो मुझे कुछ अच्छा बोलना चाहिए, बुरा बोलना चाहिए, अपनी दिल की भड़ास निकालनी चाहिए. बट हनी सिंह इज़ नोवेयर टू बी सीन. लास्ट आई थिंक हमने हनी सिंह को देखा था दिल चोरी साडा हो गया सोनू की टीटू. एंड हनी सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं. बट हनी सिंह को यही कहना चाहूँगी कि चको चको चको, कुछ फ्रेश नहीं हो मिलना, जो भी मिले चको. इस तरह की लाइनें लड़कियों के लिए ना गाएं बिकॉज लड़कियों को लोग पूछते हैं इंडिया में. सो रिस्पेक्ट वेमेन एंड नॉट जस्ट हनी सिंह. ये उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है बिकॉज लोग कहते हैं कि लड़कियाँ छोटी कपड़े पहनती हैं इसलिए उनका रेप होना चाहिए, लड़कियाँ उकसाती हैं. माई क्वेश्चन इज़ 8 महीने की बच्ची जिसका रेप हुआ था दिल्ली में, उसने क्या किया था, उसने किसी को कैसे उकसाया था. तो ये जो सोच है लोगों की कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं और वो आकर्षित करती हैं, उस तरह की सोच ना रखें. एंड टू ऑल द पीपल इन सोसाइटी जो जज करते हैं लड़कियों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंगलोर मॉलेस्टेशन केस हम सबको याद होगा, जो आईएएस ऑफिसर की बेटी के पीछे यू नो मिनिस्टर का साथ था, वो जो केस हुआ था. एंड दैट वॉज इन चंडीगढ़, सॉरी माई मिस्टेक. एंड देर वॉज अ केस दैट हैपन इन बैंगलोर न्यू ईयर्स ईव के दिन. तो लोगों ने लड़कियों को ब्लेम किया था कि छोटे कपड़े पहन के जाएंगे. यू टेल मी, अगर एक लड़की क्लब में जाएगी तो क्या वो सूट पहनेगी, साड़ी पहनेगी? सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंकिंग. एंड निर्भया के लॉयर ने भी कहा था कि यू नो लड़कियाँ 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाने चाहिए, और कहा था कि निर्भया की गलती है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई थी. तो इस तरह की जो सोच है, इट इज़ वेरी शेमफुल. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू रिस्पेक्ट वेमेन एंड लेट देम बी. सारे जो लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, पटियाली द क्वीन मेरा गाना उन सभी को एक आंसर है कि प्लीज़ लड़कियों को माफ़ कर दो, लड़कियों को समझो और उनको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने दो. कॉम्पोजिशन थी KS अभिषेक और इसके डायरेक्टर है विशाल चतुर्वेदी. एंड इसको प्रोड्यूस किया है तमंशे के जो प्रोड्यूसर.